राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है और राम मंदिर का जो विवाद था वो हल होने की और पूरी तरीके से तारीख मिलने वाली है कब राम मंदिर पर फैसला आएगा। राम मंदिर पर 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जाएगी, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राम मंदिर विवाद जो बहुत पहले से चल रहा था हिंदू मुस्लिम के बीच, वो अब पूरी तरीके से उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। अयोध्या में एक महीने के अंदर पूरी तरीके से बहस पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरत पड़ी तो हम शनिवार को भी सुनवाई करेंगे। राम मंदिर पर बस उस दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट अब फाइनल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और खबर यह है कि आज 25वें दिन लगातार सुनवाई हुई राम मंदिर मामले में और इस मामले में अब तक जो दलीलें दी गई हैं खासकर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, उन दलीलों के अंदर कोई दम नहीं है, ये आज एक बार फिर साबित हो गया। राजीव धवन नाम का जो वकील मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकालत कर रहा है, अब उसके पास दलीलें नहीं बची हैं, इसीलिए वो कुतर्क करने पर और झूठी दलीलें देने पर उतर आया है। आज उसका नज़ारा देखने को मिला जब कोर्ट ने, खासकर जस्टिस अशोक भूषण ने और डी वाई चंद्रचूड़ ने कई सवाल आज राजीव धवन से किए, लेकिन राजीव धवन उनका सीधा जवाब देने के बाद उन सवालों को टालता हुआ नजर आया। कोर्ट ने पूछा कि जो खंभे मिले हैं, जो हनुमान द्वार था उसके ऊपर भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे जय विजय, उनके तस्वीरें या मूर्तियां कैसे हैं, तो इस पर राजीव धवन का कहना था कि वो इस फोटो को मैग्नीफाइंग लेंस से देखेगा। यानी कि राजीव धवन ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी उसने उन फोटो को नहीं देखा है। वहीं फिर जब ये बात पूछी गई कि वहाँ पर फूलों के और कमल के कैसे चित्र हैं, तो इस पर भी राजीव धवन ने तर्क दिया कि ऐसे चित्र कुरान में भी और इस्लाम में भी मिल जाते हैं, जबकि इसका कोई प्रमाण, जब उससे पूछा गया कि क्या वो इस तरीके का कोई दूसरा प्रमाण दे सकते हैं, तो राजीव धवन बगलें झांकता हुआ नजर आया। ये कहने को बुजुर्ग है और आज मैं जानबूझकर इस व्यक्ति के साथ सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरी आस्था के ऊपर सवाल उठाता है, श्री राम के ऊपर सवाल उठाता है, जिनको 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, और 100 करोड़ ही क्यों, रामायण तो इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में भी होती है, वहाँ भी लोग राम में आस्था रखते हैं, ये उनके हर बात पर सवाल उठा रहा है। और वहीं इसने एक और विरोधाभासी बयान दिया जब इसने अल्लामा इकबाल के एक शेर का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि राम को हम इमाम हिंद मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव धवन हर वो कुतर्क कर रहा है जिससे ये साबित हो सके कि वहाँ राम मंदिर नहीं था बल्कि मस्जिद थी और उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाती थी। लेकिन इतिहास जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पहले तो अयोध्या में इतने ज़्यादा मुस्लिम रहते ही नहीं हैं और रहते भी हैं तो अयोध्या के अंदर बहुत सारी जगह हैं, वहाँ मस्जिदें हो सकती है, वहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन उसी जगह पर आप नमाज पढ़कर 100 करोड़ हिंदुओं का केवल अपमान कर सकते हैं जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था। बाद में राजीव धवन से और भी तमाम सवाल किए गए, यक्षिणी की मूर्तियों के ऊपर सवाल हुए, तो फिर उसने बचकाने तरीके से जवाब देना शुरू किया और उसने ये कहा कि उस मस्जिद के अंदर पुराने फोटो में भगत सिंह की फ़ोटो बनी हुई थी, गुरुदत्त की फ़ोटो बनी हुई थी और भी कई लोगों की फ़ोटो बनी हुई थी, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो लोग वहाँ पर उनकी पूजा होती थी। फिर राजीव धवन ने यह भी कहा कि श्री राम को देवता मान सकते हैं, ईश्वर नहीं मान सकते, देवता का एक ही रूप होता है, ईश्वर निराकार होता है। तमाम तरीके के अटपटे तर्क देकर राजीव धवन केवल और केवल कोर्ट का समय जाया करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो इस बात को झुठला नहीं सकता कि श्री राम का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पर एक भव्य मंदिर था और एक बार नहीं, सदियों में कई बार वो मंदिर बना और भव्यता को प्राप्त हुआ और उसके ही खम्भों को मस्जिद में लगाया गया था, उन मूर्तियों को लगाया गया था, उन पत्थरों को लगाया गया था जो कि बाद में एएसआई ने सबूत के तौर पर पेश किए थे। कोर्ट ने राजीव धवन से पूछा कि क्या तुम किसी और मस्जिद में इस तरीके के खम्भे या इस तरीके की आकृतियां बता सकते हो, तो राजीव धवन ने जिस मस्जिद का इसके बारे में जिक्र किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा पाखंड सिद्ध करता है। राजीव धवन ने हवाला दिया कुतुब मीनार के सामने बनी हुई भारत में सबसे पुरानी कही जाने वाली मस्जिद की,
और ये मस्जिद नहीं है, केवल ढांचा खड़ा किया गया है। वहां पर पहले से स्थित तमाम हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर जिसमें यक्ष यक्षिणी और देवी देवताओं की मूर्तियां अभी भी देखी जा सकती हैं, साबुत तौर पर देखी जा सकती हैं, कुछ मूर्तियों के चेहरे तोड़ दिए गए हैं। तो सीधे तौर पर राजीव धवन ने यही कहने की कोशिश की कि पहले भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, और उसने एक बात और कही कि जो शासक होता था उसका आदेश ही कानून होता था, इसलिए ऐसा हो भी सकता है। अब समझ में नहीं आता कि राजीव धवन नाम का यह व्यक्ति सिद्ध क्या करना चाहता है। इसका अगर जवाब ढूंढना है तो आज जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सवाल किया उसमें इसका जवाब छिपा हुआ है। उन्होंने आज पूछा था मुस्लिम पक्षकारों से कि आप लोगों को अपनी बात अपनी दलील रखने के लिए अभी और कितना समय चाहिए और आपको ये बताना पड़ेगा। उससे पहले राजीव धवन ने कहा कि वो शुक्रवार को बहस नहीं करेगा, उसको छुट्टी चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि उसके बदले आप जफर यार जिलानी जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दूसरा वकील है वो बहस कर लेगा, आप अपना शेड्यूल बताएं। जब कोर्ट ने सवाल पूछा कि आप कब तक इस पूरे मामले में अपनी बहस पूरी कर लेंगे तो राजीव धवन ने ये कहा कि वो इसको जल्दी से जल्दी पूरी करके और जल्दी से जल्दी फैसला चाहता है, लेकिन कब तक करेगा अभी तक उसने स्पष्ट संकेत नहीं दिया। वहीं कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो दूसरा पक्ष है यानी कि हिंदुओं के जो पक्ष हैं वो अपनी दलीलें और इन दलीलों का जो जवाब देंगे जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ राजीव धवन या दूसरे वकील दे रहे हैं उनको इसके लिए कितना वक्त चाहिए। ये उन्होंने इसलिए पूछा कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 17 नवंबर से पहले वो इस पूरे मामले में फैसला चाहते हैं और कोर्ट को अपना फैसला लिखने के लिए भी वक्त चाहिए, इसलिए वो इन सभी से पूछ कर ये तय कर लेना चाहते हैं कि अभी और कितनी सुनवाई इस मामले में होनी चाहिए जिसके बाद पांचों जजों को समय मिल सके कि वो इस पर फैसला ले सकें और उसके बाद ये फैसला लिखा जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि ये 17 नवंबर से पहले ये फैसला आना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, 1% भी संभावना ऐसी होती है, तो फिर से ये मामला कई सालों के लिए या कई महीने के लिए लटक सकता है, क्योंकि जब एक संविधान पीठ बनती है वो अगर फैसला नहीं ले पाती तो नई संविधान पीठ का गठन होता है और वो फिर नए सिरे से सारी दलीलें सुनती है, सारे मामले को देखती है, तब जाकर कहीं फैसला होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार इस मामले को कोई भी लटकाने के मूड में नहीं है और जैसा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोशिश की गई थी, उसके तरफ से लेटर लिखकर इसको फिर से मध्यस्थता को देने की बात की गई थी, उसका भी विरोध हो रहा है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, भारत का हर आदमी चाहता है, पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये जो मामला है जो सदियों से है और एक शीशे की तरह से साफ मामला है उसके बावजूद इस पर सुनवाई का नाटक चल रहा है और उस सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो व्यक्ति वकालत कर रहा है दुर्भाग्य से वो व्यक्ति हिंदू होने का दावा करता है। एक तरफ राजीव धवन ये कहता है कि उसकी आस्था राम में है, उसको भी इस बात पर कोई शक नहीं है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन वहीं वो तर्क ये भी देता है कि 3 जगहों पर अयोध्या के अंदर श्री राम के जन्म होने की बात कही जाती है। धर्म का जो मामला है वो आस्था का मामला है, मजहब का मामला भी आस्था का मामला है, रिलीजन का मामला भी आस्था का मामला है। कोई व्यक्ति बाइबल में कही गई बातों को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति कुरान में कही गई बातों को चैलेंज नहीं कर सकता, और अगर करने की कोशिश करता है तो तमाम फतवे उसके ऊपर जारी हो जाएंगे और हो सकता है कि कुछ कट्टरवादी उसके ऊपर हमला भी कर दे। लेकिन राजीव धवन जैसा व्यक्ति या कुछ अन्य कपिल सिब्बल टाइप के बिके हुए वकील रामचरितमानस पर सवाल उठा सकते हैं, राम के जन्म पर सवाल उठा सकते हैं और सवाल उठा सकते हैं राम की जन्मभूमि के मंदिर पर भी, जिसके तमाम प्रमाण तमाम पुस्तकों में हैं और ASI जिसको के सबसे बड़ा प्रमाण माना जा सकता है, ASI की खुदाई में भी कई लेयर पर कई स्तरों पर मंदिर के प्रमाण मिले हैं, लेकिन राजीव धवन और मुस्लिम पक्षकारों की पूरी वकीलों की टीम झूठे सबूत दिखाकर झूठी दलीलें देकर इस पूरे मामले को लटकाना चाहते हैं, इस पूरे मामले में ये साबित करना चाहते हैं कि राम का मंदिर कहीं नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद थी
और उस मस्जिद को बनाया था बाबर ने। ये कितनी शर्मनाक बात है। राजीव धवन ने आज एक और बड़ा शर्मनाक तर्क दिया, उसने कहा कि राम जन्मभूमि का सिगुफा अंग्रेजों ने वहां पर छोड़ा था, उससे पहले राम जन्मभूमि को लेकर किसी तरीके की बातचीत नहीं थी, जबकि ये बार बार कहा जा चुका है कि राम जन्मभूमि के लिए हजारों और लाखों साधुओं ने, नागाओं ने और सैनिकों ने अपनी बलिदान दिए, क्योंकि बार बार जब भी मुस्लिम आक्रांता देश में आते थे तो वो सबसे पहले आक्रमण करते थे हिंदुओं के पवित्र स्थानों पर, जिसमें मथुरा, अयोध्या और काशी तीन जगह प्रमुख थी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ भी इसी तरीके से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। बाद में वहाँ पर जो मंदिर बना वो वास्तविक जगह पर नहीं बना, क्योंकि तब की जो सरकार थी वो कमज़ोर सरकार थी और वो तुष्टिकरण वाली सरकार थी। कहने को आज मथुरा में कहा जाता है कि जन्म स्थान की जगह वही है, लेकिन वास्तव में जन्म स्थान के ऊपर आज भी मस्जिद खड़ी हुई है। और वही काशी के बारे में भी कहा जाता है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद बनी हुई है वो भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, विश्वनाथ का जो मंदिर है, उसी की जमीन पर खड़ी की गई। और यही हुआ था अयोध्या में भी। अयोध्या की मस्जिद को ढहाने का काम कुछ जोशीले युवाओं ने किया था, उसके बाद मामला कोर्ट में गया और उसी के मालिकाना हक को लेकर ये सारा का सारा मामला चल रहा है, जिसमें अब उम्मीद है कि 17 नवंबर से पहले निश्चित तौर पर फैसला आएगा। और अगर फैसला नहीं आता है तब फैसला शायद इस देश की जनता करेगी। निश्चित तौर पर हम तब तक इंतजार करेंगे। और आज जिस तरीके से हमने आपको बताया कि राजीव धवन पूरी तरीके से कमजोर साबित हुआ है, उसको झूठी दलीलें देनी पड़ रही हैं, उसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अदालत का समय जाया कर रहा है। इतना बड़ा वकील होने का दावा करने वाला व्यक्ति आज पूरी तरीके से असहाय नजर आता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।